हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास सेवेंथ साइंस फ्रॉम एनसीईआरटी बुक। और आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं विच इज़ द चैप्टर सिक्स, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। अब देखिए, हमने जो लास्ट चैप्टर पढ़ा था विच इज़ द एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स, इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड विद दिस चैप्टर, है ना। हमने केमिकल सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ा था, उनके टेस्टिंग के बारे में पढ़ा था। अब हम चेंजेस देखेंगे कि कौन कौन से चेंजेस होते हैं। तो यदि हम देखें हमारे आसपास कंटिन्यू कोई ना कोई चेंजेस हो रहा है। जैसे मान लीजिए ट्री पे लीव्स लगी है, तो आफ्टर सम टाइम लीव्स क्या होती हैं, ग्रीन से येल्लो हो जाती हैं और फॉल ऑफ हो जाती हैं। फ्रूट्स जो हैं वो पक जाते हैं, राइप हो जाते हैं। इसी तरह यदि आपने फूड बनाया तो फूड को कुक करते हो आप, तो कुकिंग ऑफ फूड होता है। इस तरह से बहुत सारी प्रोसेस जो है, मेल्टिंग ऑफ आइस, बॉइलिंग ऑफ वाटर, है ना, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमारे आसपास होती हैं। तो जितनी भी चीज़ें या जितने भी चेंजेस हमारे आसपास होते हैं उनको हम बेसिकली टू टाइप्स से डिवाइड कर सकते हैं। द फर्स्ट इज़ द फिज़िकल एंड द सेकंड इज़ द केमिकल। तो टोटल जो है वो कितने तरह के चेंजेस हो गए, दो तरह के। एक हो गया फिज़िकल चेंज, दूसरा हो गया केमिकल चेंज। तो अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर। एवरी डे यू कम अक्रॉस मैनी चेंजेस इन योर सराउंडिंग। हर रोज़ आप अपने आसपास बहुत सारे चेंजेस देखते हो, दही का जमना, दूध का फटना, है ना, ऐसे बहुत सारे डे टू डे लाइफ में आपको चेंजेस दिखाई देते हैं, है ना। दीज चेंज मे इन्वॉल्व वन आर मोर सब्सटेंसेज। ये चेंज जो हैं एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस में हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यूअर मदर में आस्क्स यू डिज़ोल्व शुगर इन वाटर टू मेक अ कोल्ड ड्रिंक। जैसे आपने शरबत बनाया या कुछ ठंडा बनाया, तो उसके लिए आपने शक्कर डिज़ोल्व करी, तो इट इज़ ऑल्सो ए चेंज हुआ। मेकिंग अ शुगर सॉल्यूशन इज़ अ चेंज। अब शुगर सॉल्यूशन का बनाना भी एक तरह का चेंज है। सिमिलरली सेटिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क इज चेंज। मैंने अभी आपको बताया दही का जमना, सेटिंग कर्ड, कर्ड का बनना, इट इज़ ऑल्सो ए टाइप ऑफ चेंज। समटाइम मिल्क इस मिल्क बिकम सॉर। आपने देखा होगा कई बार दूध फट जाता है, खट्टा हो जाना मतलब फट जाना, है ना। सॉरिंग ऑफ मिल्क इज चेंज। अब ये दूध का फटना भी क्या है, एक तरह से चेंज ही है ना, इट इज़ ऑल्सो ए टाइप ऑफ चेंज। स्ट्रेच्ड रबर बैंड ऑल्सो ए रिप्रेजेंट ए चेंज। रबर बैंड को स्ट्रेच किया वो भी क्या है, चेंज है। मेक अ लिस्ट ऑफ 10 चेंजेस यू हैव नोटिस्ड अराउंड यू। आपको इस तरह के 10 चेंजेस, ये आपका काम है, है ना, जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो आपको ये 10 चेंज जो हैं वो नोट डाउन करने हैं और मुझे सेंड करना है। आपको बताना है ये जो है अपने आसपास के 10 चेंजेस नोटिस करके। बहुत ईजी है, काफ़ी कुछ तो मैंने भी बता दिए हैं, इसके अलावा आप देख के बता सकते हैं। इन दिस चैप्टर वी शैल परफॉर्म सम एक्टिविटीज़ एंड स्टडी द नेचर ऑफ दिस चेंजेस। इस चैप्टर में हम अलग अलग तरह की एक्टिविटी परफॉर्म करके और इन चेंजेस के नेचर के बारे में जान देंगे। अब नेचर कैसा, नेचर जो है वो दो तरह से डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज़ द फिज़िकल एंड सेकेंड इज़ द केमिकल, दो तरह से हुआ। अब जैसे मान लीजिए ये एक पेपर था, इस पेपर को पहले 4 पीसेस में किया, फिर इस 4 के और पीसेस कर दिए, तो इट इज़ ऑल्सो ए चेंज। ये भी क्या हुआ, चेंज हुआ। अब एक्टिविटी 1 में बताया है, सबसे पहले हम डिस्क्राइब कर रहे हैं फिज़िकल चेंजेस की, फिज़िकल चेंजेस होते क्या हैं। कट अ पीस ऑफ पेपर इन 4 स्क्वायर पीस, 4 स्क्वायर पीस में किया, ईच स्क्वायर पीस फर्दर इंटू 4 स्क्वायर पीस, फिर उसको और 4 में किया। ले दिस पीसेस ऑन द फ्लोर ऑन द टेबल सो दैट द पीसेज एक्वायर द शेप ऑफ द ओरिजिनल पीस ऑफ पेपर। और फिर ये देखिए, इस तरह से आपको उसको रख देना है। अगर आप उसे इस तरह से अरेंज करेंगे तो वो जो ओरिजिनल शेप था वो वापस आ गया ना, जैसा था वैसा कि वैसा आ गया, तो आपको इस तरह से वापस उसे अरेंज कर देना है। Obviously you cannot join the pieces back to the make the original piece. अब सही, मतलब ये तो है कि आप उसे वैसे join करके, मतलब टेप से लगा भी दिया तो वो वैसा पेपर नहीं बन पाएगा जैसा था, पर रहेगा तो पेपर ही, है ना। बट इज देयर इज़ अ चेंज इन प्रॉपर्टी ऑफ पेपर, बट क्या पेपर की प्रॉपर्टी में कोई चेंज आया, बताइए, नहीं आएगा।
साइज में चेंज आ गया उसके, बट प्रॉपर्टी में कोई चेंज आया क्या? नहीं आया, वो पहले भी पेपर था और अभी भी क्या है, वो पेपर ही है। मतलब उसकी जो ओरिजिनल प्रॉपर्टीज है इट नॉट बी चेंज्ड। साइज ऑल चेंज हुआ है उसका, बट प्रॉपर्टी चेंज नहीं हुई है। अब एक्टिविटी 6.2 देखते हैं हम, फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे। कलेक्ट द चॉक डस्ट लाइंग ऑन द फ्लोर। अब आपको क्या करना है, चॉक डस्ट जो फ्लोर पे टीचर्स जब लिखते हैं तो चॉक डस्ट इकट्ठी हो जाती है, तो उसे क्या करना है, इकट्ठा करना है। नियर द चॉक बोर्ड इन योर क्लासरूम, है ना, और क्रश अ स्मॉल पीस ऑफ चॉक इनटू डस्ट, या फिर नहीं मिले तो चॉक के छोटे छोटे पीसेस कर लेना है एकदम बारीक डस्ट बना के। एड लिटिल वाटर टू डस्ट मेक अ पेस्ट, और अब उसमें क्या करना है, उसमें थोड़ा सा पानी डाल के पेस्ट बना लेना है। रोल इट इंटू द शेप ऑफ पीस ऑफ चॉक, लेट इट ट्राई, डिड यू रिकवर चॉक फ्रॉम डस्ट। अब उसे वापस क्या करना है, फिर से पानी डाल के रोल बना के चॉक बनाने की कोशिश करनी है, क्या आप ये कर पाते हैं ये भी बताना है। देन द एक्टिविटी 6.3 ये कर सकते हैं आप, चॉक घर पे हो तो पानी डाल के उससे कोशिश करके देखना बन पाती है कि नहीं। फिर 6.3 में है, टेक सम आइस इन ग्लास और प्लास्टिक टम्बलर, कुछ आइस बर्फ के पीसेज लेने हैं प्लास्टिक या ग्लास के कंटेनर में, है ना, टम्बलर में। मेल्ट अ स्मॉल पोर्शन ऑफ आइस बाय प्लेसिंग अ टम्बलर इन अ सन, और उसका कुछ पार्ट जो है बर्फ का वो पिघला लेना है। यू हैव नाउ ए मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर, अब आपको क्या मिल गया, मिक्सचर मिल गया आइस एंड वाटर का, कुछ बर्फ है और कुछ पानी है। नाउ प्लेस द टम्बलर इन फ्रीजिंग मिक्सचर, अब उसको वापस रख देना है, है ना, मिक्सचर को, आइस प्लस कॉमन सॉल्ट। डज द वाटर बिकम सॉलिड आइस वंस अगेन, क्या वापस से वाटर आइस में कन्वर्ट हो सकता है, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, है ना। तो ये आपको बताना है कि ये फिर से आइस जो है वो वाटर में कन्वर्ट हो सकता है या नहीं हो सकता है, ठीक है। अब इसके बाद यदि हम देखें तो नेक्स्ट एक्टिविटी 6.4 हमारी, बॉइल सम वाटर इन अ कंटेनर, हमको क्या करना है, कंटेनर में वाटर बॉइल करना है, ठीक है। डू यू सी द स्टीम राइजिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर, आपको क्या दिखेगी, स्टीम उठती हुई दिखेगी, जब आप वाटर बॉइल करोगे तो स्टीम दिखेगी। होल्ड एन इन्वेंटेड पैन ऑन इट्स हैंडल ओवर द स्टीम एट द सम डिस्टेंस फ्रॉम द बॉइलिंग वाटर, अब आपको आपको ये खुद नहीं करना है ना, उसके ऊपर एक प्लेट थोड़ी सी उल्टी लगा देनी है, कैसे कि वो जो स्टीम है वो उससे टच हो, दूर हो के थोड़ा। ऑब्जर्व द इनर सरफेस ऑफ पैन, डू यू सी द ड्रॉपलेट ऑफ वाटर देयर, आपको क्या उसके ऊपर ड्रॉपलेट दिखाई देंगे, ऑब्वियस बात है, हम कई बार पानी गर्म होता है और उसके ऊपर प्लेट वगैरह ढक देते हैं तो थोड़ी देर बाद ही हमको क्या होने लगता है, उस पर ड्रॉपलेट दिखाई देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो है ये नेक्स्ट वाला एक और देख लीजिए, फिर मैं डिस्कस जो है वो करती हूँ। एक्टिविटी 6.5, होल्ड अ यूज्ड हैक सा ब्लेड विथ अ पेयर ऑफ टंग, आपको देखो क्या करना है, होल्ड अ यूज्ड हैक्सॉ बेल्ड ब्लेड, हैक्सॉ मतलब जो ब्लेड यूज़ की हुई रहती है उसको पकड़ना है, है ना, बट यूज़ की हुई आपको नई नई। कीप द टिप्स ऑफ द फ्री एंड्स ऑफ द ब्लेड ऑन द गैस स्टोव, वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स, ठीक है। डज द कलर ऑफ द टिप ऑफ ब्लेड चेंज, रिमूव द ब्लेड फ्रॉम द फ्लेम, ऑब्जर्व द टिप वंस अगेन आफ्टर सम टाइम, डज इज बैक इट ओरिजिनल कलर, आपको क्या करनी है, जो ब्लेड आती है ना, उस खुद नहीं करना है ये इस तरह से, और जब हम एंड पे ले जाएंगे और फिर कुछ समय बाद देखेंगे तो कलर चेंज वापस हो जाएगा। डज इट बैक इट्स ओरिजिनल कलर, क्या वो अपने ओरिजिनल कलर में आ गया है। इन एक्टिविटी 6.1 एंड 2 यू सी दैट द पेपर एंड पीस ऑफ चॉक अंडरवेंट चेंजेस इन साइज, हमने 6.1 एंड 6.2 में देखा कि जो चेंजेस थे वो किस में थे, साइज में थे, पेपर जो था वो अपने साइज में छोटा हुआ था, है ना, चॉक भी जो थी वो अपने साइज में छोटी हो गई थी। एक्टिविटी 6.3 एंड 6.4 जो थी वो ये हमको बता रही थी कि ये जो हैं ये सारे अपने स्टेट में चेंज हुए हैं, हमने एक में लिक्विड सॉलिड से लिक्विड में लाए और दूसरे में लिक्विड से गैसेस में लाए, है ना। एंड एक्टिविटी 6.5 जो है वो क्या हुआ, कलर में चेंजेस आए, मतलब कि यदि किसी भी सब्सटेंस के शेप साइज कलर एंड स्टेट में चेंज आता है तो वो उसकी क्या कहलाती है,
फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ कहलाती है, है ना। मतलब ये प्रॉपर्टी शेप, साइज़, कलर, जो स्टेट हैं, फिज़िकल प्रॉपर्टी। और यदि इन प्रॉपर्टीज़ में कोई चेंजेस आता है तो दिस इज़ नोन एज द फिज़िकल चेंजेस। यदि इन प्रॉपर्टी में कोई भी चेंजेस आ जाता है तो वो फिज़िकल चेंजेस कहलाता है। फिज़िकल चेंज जो होता है इज़ रिवर्सिबल होता है, है ना। जनरली फिजिकल चेंज जो होता है, फिजिकल चेंज जो होता है वो रिवर्सिबल होता है, और इसमें कोई भी न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है, कोई भी नया सब्सटेंस जो है वो नहीं बनता है। इतना आप सुनिए ध्यान से, कोई भी डाउट हो तो पूछिए। और ये एक्टिविटी में फिर से आपको एक एक करके और डिस्क्राइब करके बताऊँगी कि कैसे किस किस में हो रहा है, ठीक है ना। आपको कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज करके, कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।